हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं ब्रेड से बहुत ही टेस्टी नाश्ता। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो ये हमने चार ब्रेड ले लिए हैं। तो कैसी भी ब्रेड हो, ब्राउन वाली हो या वाइट वाली हो, कोई सी भी ब्रेड से आप इस नाश्ते को बना सकते हैं। तो हम एक मिक्सी का जार ले लेंगे और तोड़ के छोटे छोटे पीस करके और इसमें जार में डाल देंगे। तो बहुत ही जल्दी ये नाश्ता बन के तैयार हो जाता है, तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो ऐसे ही करके छोटे छोटे पीस करके और चारों ब्रेड को हम तोड़ के डाल देंगे। तो चारों ब्रेड को तोड़ दिया हमने, उसके बाद हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो ये आप देखिए, बिल्कुल बढ़िया सा क्रम्स बन के तैयार हो गए हैं। तो इसे साइड में रखते हैं। उसके बाद एक बाउल ले लेंगे और ये इसमें डाल देंगे। तो सारे ही ब्रेड को नहीं डालेंगे, थोड़ा सा हम बचा के रख लेंगे। तो ये थोड़े से हमने अलग रख लिए हैं। उसके बाद हम इसमें एक टमाटर डाल देंगे, छोटे छोटे पीस में कट किया हुआ। उसके बाद एक प्याज इसमें डाल देंगे। तो जो भी सब्जियां आपको पसंद हो वो आप इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद दो हरी मिर्ची कट करके डाल देंगे और एक आलू को हमने कद्दूकस कर लिया था, तो ये कच्चा आलू है, तो इसे डाल देंगे। उसके बाद आधी चम्मच हम धनिया पाउडर इसमें डाल रहे हैं, आधी चम्मच जीरा पाउडर डाल लेंगे, थोड़ा सा हम इसमें अमचूर पाउडर डाल लेंगे। अमचूर पाउडर ना हो तो चाट मसाला भी आप डाल सकते हैं या नींबू का रस। तो आधी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डाल लेंगे। उसके बाद नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार और थोड़ा सा गरम मसाला हम इसमें डाल रहे हैं। उसके बाद ये धनिया की पत्तियाँ डाल देंगे थोड़ा सा और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ऐसे करके ताकि जो आलू और ब्रेड है वो अच्छे से मिक्स हो जाएं और अच्छे से इस पर ये मसाले लग जाएं। तो ऐसे ही करके मसलते हुए और बढ़िया से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि मसाले एक ही जगह ना रहें, पूरे में मिक्स हो जाएं। तो ये आप देखिए, तो इसमें काफ़ी सारी नमी है अभी। तो ये अच्छे से हमने मिक्स कर दिया है इसको। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसमें दो चम्मच हम गेहूं का आटा डाल रहे हैं। आप चाहें तो इसमें चावल का आटा या फिर बेसन डाल के आप बना सकते हैं। तो हम आज गेहूं के आटे से इसे बना रहे हैं, तो दो चम्मच ही हमने डाले हैं इसकी बाइंडिंग के लिए। तो ऐसे करके और बढ़िया सा इसे डो बना लेंगे। तो ये आप देखिए, बढ़िया सा हमने डो बना दिया है। तो हमने दो चम्मच पानी इसमें डाल दिया था। उसके बाद हम हाथों पे थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और इसकी एक छोटी सी लोई तोड़ेंगे, जैसे हम रोटी के लिए बनाते हैं जितनी उतनी बनाएंगे। तो ज़्यादा मोटी नहीं रखेंगे क्योंकि इसमें आलू भी कच्चे हैं, तो इसलिए हम पतली इसको थोड़ा बनाएंगे ताकि ये अच्छे से सिक जाए और आलू भी अच्छे से पक जाएंगे। तो ऐसे करके और ये ऐसे ही टिक्की की शेप में हम बना रहे हैं। आपको जो भी शेप पसंद हो आप बना सकते हैं। तो सारी बना के तैयार कर दिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो थोड़े से क्रम्स हमने बचाए थे उसको हम इसमें लगा लेंगे, तो ये नाश्ता दिखने में भी बहुत ही बढ़िया लगेगा। तो ये आप देखिए, ऐसे करके और अच्छे से दबा लेंगे। तो ऐसे ही सबको बना लेंगे। तो ये सारे ही बना के हमने तैयार कर दिए। उसके बाद चलते हैं गैस की तरफ। तो इधर हमने दो चम्मच तेल गरम करने रख दिया था पहले ही, तो जितने भी इसमें आएंगे उतने डाल लेते हैं। गैस को मीडियम पे ही रखेंगे, मीडियम और लो के बीच में ही रखेंगे और इसे एक एक करके डाल लेते हैं। तो इतनी ही आएंगी इसमें और थोड़ी देर के लिए हम बिल्कुल भी छेड़ेंगे नहीं, उसके बाद ही हम इसको पलट लेंगे। तो ये आप देखिए, कितना बढ़िया सा कलर आ रहा है इसमें। तो ऐसे ही करके दो चार बार उलट पलट करेंगे तो अच्छी सी करारी बन जाएंगी ये। तो ऐसे ही करके पलट लेते हैं इनको, दूसरी साइड से भी बढ़िया सा सिकने देंगे। इसमें कच्चा आलू है इसलिए इसे अच्छा सा करारा सा बनाएंगे। तो ये आप देखिए, कितने करारे से बन के तैयार हो गए हैं। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। हमने दो तीन बार इसे पलट पलट के सेक लिया था,
तो अब इसे निकाल लेते हैं। तो ये आप देखिए, ये पूरा ही नाश्ता बनके हमारा तैयार हो गया है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये नाश्ता कैसा लगा। तो आप इसे सॉस या चटनी या फिर ऐसे ही भी खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगा, तो एक बार ट्राई कीजिएगा। थैंक यू।